यूएस स्पेस फोर्स का सीक्रेट स्पेस प्लेन 908 दिन तक अपने ऑर्बिट में उड़ते रहने के बाद फाइनली 12 नवंबर को नासा के कैनेडी स्पेस स्टेशन पर लैंड हो चुका है। इस प्लेन का नाम है X-37B। ये इसका 6th मिशन था। इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर ऑफिशियल्स का कहना है कि ये प्लेन जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करता है। ये अब तक करीब 2 अरब किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है। इस प्लेन को बोइंग ने नासा के लिए बनाया था। 5th मिशन में भी ये 780 दिनों तक स्पेस में था, लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट्स करने की ये बात बाकी देशों को हजम नहीं होती। रशियन स्पेस एजेंसी के हेड मित्री रोगोजिन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि यूएस इस प्लेन से मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स कैरी करता है या उन पर नजर रखने की कोशिश करता है। चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट भी ऐसा मानते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की मिड फ्लाइट अपने ऑर्बिट चेंज कर पाने की एबिलिटी इसे डेंजरस बनाती है, जिससे वो दूसरे देशों की सैटेलाइट पर नजर रख सकता है और अर्थ पर बने टारगेट्स पर स्पेस से अटैक भी लॉन्च कर सकता है। उनका कहना है कि अगर इस एयरक्राफ्ट पर छोटी सैटेलाइट्स लोड की जा सकती हैं, तो छोटे वेपन्स क्यों नहीं लोड किए जा सकते। आपको बता दूं कि चाइना के पास भी ऐसा एक सीक्रेट प्लेन है जिसे लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट से 4 अगस्त को लॉन्च किया गया था, और वो स्पेस में क्या कर रहा है ये तो चाइना ही जाने। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमें फॉलो करें।